बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोग हिंदुत्व में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल दानिश परदेसी को सब्सक्राइब नहीं किया, या आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं किसी भी वजह से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, दबाओ दें, साथ बने घंटी के दबा दें और ऑल पे सेट कर दें, ताकि मजीद विजिट वीजा के वाले से कोई भी नई अपडेट मेरे चैनल के ऊपर आए तो बर वक्त आप तक पहुँच सके, कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश से जो लोग भी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके वर्क वीज़ा इशू हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों के सिर्फ वर्क वीज़े इशू नहीं हो रहे जो लोग दुबई और शारजा के वर्क वीज़ा के अलावा बाकी जितने भी दुबई की रियासतें हैं उन रियासतों के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनके वर्क वीज़े जो हैं इशू नहीं हो रहे। इस वक्त सिर्फ जो वर्क वीज़ा इशू हो रहे हैं वो सिर्फ दुबई और शारजा से इशू हो रहे हैं। जिन लोगों के भी स्पॉन्सर दुबई और शारजा से हैं तो वो लोग अपना वीज़ा जो है ले सकते हैं सिवाय बैन सिटी के। जो सिटी बैन है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के, उन लोगों को कोई भी वीज़ा नहीं मिलेगा। उसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल जितने भी लोग हैं उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, उनके वीज़े इशू हो रहे हैं। हो सकता है कुछ दिन, अगर इन दिनों में अप्लाई करें तो ये छुट्टियों की वजह से काम डिले हो जाए, लेकिन उनका वीज़ा जो है वीज़ा 100% निकलेगा, उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। खासकर जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश से लोग देख रहे हैं ये वीडियो, उनके लिए है कि आप लोग दुबई और शारजा के वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं विजिट वीज़ा नहीं कह रहा हूँ, मैं वर्क वीज़ा का कह रहा हूँ। आप लोग वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप लोग बैन सिटी से नहीं हो या आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं तो फिर तो आपको वीज़ा निकलेगा। वजह यही है कि आपका वीज़ा ना निकलने की, प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना सेंड करना, या आपके ऊपर कोई पास्ट में दुबई में फ़ाइन होना, या कोई इस तरह की और एक्टिविटी हो सकती है, या सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है, या आप बैन सिटी से हो, ये चीज़ें होती हैं वीज़ा ना निकलने की। अगर ये इनमें से कोई चीज़ आपने नहीं की है, कोई वायलेशन इस तरह की आपने नहीं की है, तो आपका वीज़ा 100% निकलेगा। अगर आपने शारजा और दुबई के वीज़ा के लिए अप्लाई किया और वर्क वीज़ा के लिए किया है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।